उत्सव अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस दौरान प्रदेश ने विकास के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। बिहार की सामाजिक आर्थिक प्रगति के बारे में हमारे संवाददाता सलमान हैदर ने इतिहासविद और खुदाबख्श लाइब्रेरी के पूर्व निदेशक इम्तियाज अहमद से बातचीत की। देखिए बातचीत के संपादित अंश। को एक नई रोशनी दी है, एक नई प्रेरणा दी है। आर्थिक स्थिति उसकी तुलना में बहुत बेहतर हो चुकी है। ये सही है कि अभी हमें बहुत कुछ करना है, क्योंकि हमारी शुरुआत बहुत कठिन रही है दो दशक पहले को अगर हम देखें, लेकिन प्रगति हुई है, हम कह सकते हैं संतोषजनक हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत विकास हुआ है, और जगहों को छोड़ दीजिए लेकिन पटना ही की अगर आप बात कीजिए तो आज पूरा का पूरा पटना जो है उसकी स्काई लाइन बदल गई है। फ्लाईओवर्स हैं दरिया के किनारे, गंगा के किनारे वो कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, तो पूरी शक्ल पटना की बदल गई है। मगर एक चीज़ ये भी है, हम इसको क्या कहेंगे, इसको एक साइड इफेक्ट कहेंगे डेवलपमेंट का। आबादी बढ़ी है, प्रदूषण बढ़ा है, समस्याएं बढ़ी हैं पहले के मुकाबले में, मगर ये कि ये चुनौतियां हैं, विकास के साथ ये चुनौतियां हैं। और मेरी यहां तक समझ है कि इस मामले में बिहार अच्छी तरह से इन चुनौतियों का सामना करके प्रगति की राह पर बढ़ रहा है, और ये अच्छी बात है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये काम और तेज़ होगा, और जो हमारी नई पीढ़ी है वो भी इसके महत्व को समझेगी और इसमें सक्रिय रूप से भाग लेगी।